2 दिन हमारे काफी तनाव रहे थे, 13 और 14 तारीख को। 13 तारीख को पोल्स के समय एसडीएम जो एरिया मजिस्ट्रेट की ड्यूटी पे समरावता गांव में गए थे, तो उनको एक कैंडिडेट ने, नरेश मीणा ने, बिना किसी प्रोवोकेशन के थप्पड़ मार दिया था। उसके बाद एसडीएम ने उनके खिलाफ एफआईआर दायर की थी। और जब पोल प्रोसेस 8 बजे खत्म हुआ और 9 बजे पोलिंग पार्टी रवाना हुई, तब कैंडिडेट और उनके समर्थकों के द्वारा गाड़ी को भी रोकने की कोशिश की गई। तो इस संबंध में जो वहाँ पे पुलिस जाब्ता, जिसमें एसपी साहब मौजूद थे और एडीएम मालपुरा मौजूद थे, तो इन्होंने गाँव वासियों के साथ और समर्थकों के साथ समझाइश करने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से, कैंडिडेट और समर्थकों की तरफ से, इनको फिजिकल असॉल्ट किया गया। तो उसके बाद फिर पुलिस ने भी अपना बल का प्रयोग करते हुए 60 लोग, जो कि सबसे ज्यादा आगजनी और पत्थरबाजी कर रहे थे, उनको डिटेन किया। नरेश मीणा जी को भी डिटेन किया, लेकिन चूंकि आगजनी और पत्थरबाजी ज्यादा हो रही थी, तो नरेश मीणा उस कंफ्यूजन में पीछे से भाग लिए। अगले दिन 14 तारीख को वापस से उनको ट्रेस आउट किया गया और कैंडिडेट को अरेस्ट कर लिया गया है। कल कुछ घटनाएं 14 तारीख को कुछ घटनाएं हुई थी, जिसमें उनके समर्थकों द्वारा हाईवे पे और कुछ जगहों पे जाम लगाया गया था, लेकिन वो भी अब पूरी तरह से जाम खुल चुका है और अब शांति की स्थिति है, कोई भी तनाव की स्थिति नहीं है। मैं जिले के लोगों से यही अपील करना चाहूंगी कि बिल्कुल आप शांति की स्थिति को बनाए रखें। जो भी ये घटना हुई है, इसमें हमने यही देखा है कि जिन लोगों को हमने डिटेन किया, 60 में से 50 से ऊपर लोग जो हैं वो बाहर के हैं। तो यही हमारे पास बार बार बात सामने आ रही है कि ये जो पूरा घटनाक्रम है, इसको अंजाम बाहर के लोगों ने दिया है और प्री प्लानिंग के साथ दिया है। टोंक की जनता के कुछ वाजिब मांगे थी, जो कि उनके एसडीएम, उनके कलेक्टर और उनके बीच की थी। इस उनकी जो अपनी मांगे थी और उनके जो विचार थे, उसको एक तरह से कोऑप्ट कर लिया गया। उनकी जो भावनाएं थी, उसको यूटिलाइज करते हुए अपना जो पॉलिटिकल सिक्का है, उसको जमाने की कोशिश की गई। परंतु प्रशासन ने स्थिति को पूरी तरह से कंट्रोल में रखा है। ना तो हमने इलेक्शन के प्रोसेस में कोई भी बाधा आने दी, इलेक्शन प्रोसेस पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से संपन्न हुआ। ना हमने कोई भी मृत्यु होने दी या कोई मेजर कैजुअलिटी होने दी। अभी स्थिति पूरी तरह से सामान्य है और जो भी लोग थे जो इसके लिए जिम्मेदार थे, उनको आइडेंटिफाई करके गिरफ्तार किया जा चुका है।